पे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मतिथि इधर हमारा त्रिपुरा अगरतला अस्तबल मैदान में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कर रहा हो तीन दिन व्यापी। हमारा आज सेकेंड डे से कल भी होगा ये प्रोग्राम। हमारा जनजाति को जो हमारा इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर जनप्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हम लोग का जनप्रिय जो प्राइम मिनिस्टर, हम लोग जनजाति को स्वीकृति दिया है जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी जो जन्मदिन तिथि पर हमारा जो हम लोग को कभी भी हम लोग जनजाति को पहचान नहीं था, मोदी जी हम लोग को पहचान दिया है। इसीलिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हो क्योंकि हमारा जनजाति लोग कभी भी सब पिछले समाज का पिछले हुआ जनजाति है। इसीलिए हम लोग को जो पहचान दिया है 15 नवंबर को हमारा बिरसा मुंडा जन्म तिथि पर हम लोग जनजाति गौरव दिवस हम लोग दिया है। इसीलिए मोदी जी को बहुत धन्यवाद और हम लोग त्रिपुरावासी होके जनजाति होके मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हो क्योंकि कभी भी हम लोग सोच भी नहीं सकता था हम लोग जनजाति इतना आगे तक बढ़ सके। मोदी जी आने के बाद हम लोग का जनजाति का जो इतना डेवलपमेंट हुआ, जो रास्ता हुआ, पानी का व्यवस्था हुआ, घर का व्यवस्था हुआ, इसीलिए हम लोग जनजाति लोग बहुत उन लोग को धन्यवाद देता हूँ, बहुत खुशी मनाते हैं। नमस्ते। जितना भी स्वाधीनता संग्रामी भारत स्वाधीन के लिए लड़ाई किया थे, इन्होंने ये सोचा कि जनजाति समाज से भी बहुत ऐसे स्वाधीनता संग्रामी थे जिनको भारत सरकार या तो हम लोग उतनी तरह से वो सम्मान ऑनर नहीं दिखाया। तो इन्होंने बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, इनके जन्मतिथि पे इन्होंने घोषणा की कि जनजातीय गौरव दिवस पूरा देश में यह सेलिब्रेशन होना चाहिए। और पिछले 3 सालों से यह जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, इस बार अगरतला में हो रहा है। पिछले बार हम लोग अम्बासा में किया था, तो यहाँ जनजातियों के जो 19 कम्युनिटीज़ है सभी को हम लोग बुलाया। नेबरिंग जितना भी स्टेट्स है, मिजोरम हो, नागालैंड हो, असम हो, ऐसे और बांग्लादेश से भी आर्टिस्ट आए हैं पायल त्रिपुरा समेत। तो यहाँ एक तरह से कल्चर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहा हूँ और जितना भी हेड ऑफ़ द सोसाइटीज़ है सभी को हम लोग बुलाया, ऑनर्ड किया। तो एक बहुत बड़ा मौका है सभी को एक मंच में लाना और इतिहास में हम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन था, फ्रीडम जितना भी फाइटर्स था इन लोगों को भी ऑनर देना था। तो एक तरीका से सम्मान देना जनजाति समाज को और जनजाति समाज के जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट चाहिए, शिक्षा चाहिए, इस विषय के ऊपर भी चर्चा हो रहा है और डेवलपमेंट के लिए सरकार कदम उठाया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो
नशा मुक्त भारत और साथ साथ नशा मुक्त त्रिपुरा जो है, इसके लिए भी ये जो तीन दिन में हर वक्ता ने उसको विषय भी बोला है कि नशा रहना नहीं चाहिए ये विषय, इसलिए जो ये जो प्रोग्राम जो है अच्छा से मनाया गया। देवा हाला हो दे हो जरो दी फेको तो बड़े सिंह 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 दारू तुली हो दे बसर गुड़ी ये लो दे अमर सुधी हे ओ बेला के सोना ओ बोला के जोना ए जोना बेगे दबा दबा से दबा दबा से ओ बेला के जोना दामर दामर दोसाने मुरोगुन मिदे मिदे फेगोरा ओए सुन सुन ए जगाए दे चमोनो दे। नेशनल लेवल में अभी त्रिपुरा का जो जनजाति है पीछे जो रहता है अभी नेशनल लेवल में फोकस हो गया है। आप लोगों का माध्यम से, आप लोगों का मीडिया सोशल मीडिया का माध्यम से अभी फोकस हो रहा है। हम जो पीछे रहता है अभी सामने चलना है, इसलिए हम लोग ये साल से हम लोग बहुत कलरफुल से सब ट्राइब्स को लेके एक साथ चलने का वर्क टुगेदर प्लान टुगेदर एंड अप्रोच टुगेदर, इसलिए द डिपार्टमेंट जो कर रहे हैं काम अभी बहुत कलरफुल है। आने वाले साल में हम लोग और कलरफुल करेंगे क्योंकि ये साल में हम लोग त्रिपुरा में पहले है, लेकिन आने वाले साल में हम कलरफुल करेंगे। अभी ये इंटरनेशनल के रूप में आज हम लोग मिला है क्योंकि बांग्लादेश से भी आर्टिस्ट आया है, नॉर्थ ईस्ट मेघालय नागालैंड बोडोलैंड असम सब जगह का आर्टिस्ट और लीडर लोग आया है, तो सेंट्रल का भी हम लोग का बहुत सेंट्रल लीडर आया है। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अभी पहले त्रिपुरा को नहीं पहचानता, कहाँ है त्रिपुरा, ये नॉर्थ इंडिया का बाहर में हो अंदर में ऐसे बोलता है, लेकिन अभी वेयर इज़ द त्रिपुरा, वेयर इज़ द अगरतला, अभी सबको सब मालूम है। इसीलिए त्रिपुरा में आने के बाद समीर उरांग जी लेके हम लोग का प्रधानमंत्री से लेके सब आने के बाद यहाँ पे खुलम का हम्बाई जतना हम भाई ऐसे बोलता है त्रिपुरा कहाँ है, जो पीछे रहता है सामने लाना है, त्रिपुरा पीछे है, हम अभी सामने जा रहा हूँ।